हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो बच्चों, आज हमारे चेहरे पर स्माइल नहीं है। हमें क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद है और आपको पता है कि पूरा देश गम में डूबा है कि भारत में जो वर्ल्ड कप आने का सपना था वो केवल सपना रह गया। लेकिन बच्चों, हार जीत ये जिंदगी का एक पड़ाव है। ये तो हार जीत तो लगा ही रहेगा भाई। हमारे देश के जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक, उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला भाई। अगर 10 मैच के बाद कोई आता है अचानक से भी हार जाता है तो इसको अपन भाग्य नहीं कह सकते। उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला और सामने वाली भी टीम क्या है, अपना 100% लगाएगी जीतने के लिए, है ना। तो ये तो हार जीत लगा रहेगा। तो आपके सामने भी यूं समझिए बच्चों, किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं है आपका बोर्ड एग्जाम। और अब आपको नहीं हारना है, क्योंकि आप अगर हार गए तो जिस तरह से आज सब गम में डूबे हुए हैं, उसी तरह से जिस दिन आपका भी पेपर खराब हुआ, आपके भी मार्क्स कम आए या फिर आप फेल हो गए, तो यूं समझिए आपके फैमिली में भी इसी तरीके का मातम छा जाएगा। तो वो काम हमें नहीं करना, हमें अपनी तैयारी को बेहतर रखना है, ठीक। हमारे देश के जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने क्रिकेटर्स, उन्होंने बहुत अच्छा खेला भाई। दिल से उनको हम यही दुआ देते हैं कि आप लोग ऐसे मेहनत करें भाई, आगे बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड कप आएंगे तो ये तो लगा रहेगा, है ना। खैर, आते हैं अपने टॉपिक पर बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय, ठीक, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय व कृतियां। और आपको बताया बच्चों, ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाएगा। और एक चीज, बहुत सारे बच्चे ना इसमें उलझे होते हैं, बोलते हैं सर जितना लिखा रहे हैं क्या हम इतना लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। तो आपको वहां पर एक चीज कहा जाता है बच्चों कि जो शब्द सीमा, ठीक, क्या ये देखने के लिए ही होता है? नहीं भाई, इसको अपने माइंड में रखना है रसगुल्लों की शब्द सीमा। हमें क्या करना है, 80 शब्द में उसमें दे देता है कि भाई जो शब्द सीमा है, यानी जो चाहे वो हम काव्य में बात करें या फिर हम बात करें मतलब गद्य साहित्य का, तो आपको जो भी, यानी चाहे लेखक हो चाहे कवि, उनमें अगर आप साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, कृतियां वगैरह लिख रहे हैं तो शब्द सीमा यानी 80 शब्द ये ध्यान में रखना होता है। इससे कम नहीं होना चाहिए, आप 90 लिखिए, 100 लिखिए, लेकिन हाँ इतना भी नहीं कि आप 300-400 लिखिए, ठीक। ये बात अपने जहन में रखना है, अपने माइंड में आपको रखना है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों किस तरह से हम लिखेंगे। सबसे पहले अपने को हेडिंग बनाना है जीवन परिचय, ठीक। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हैं कि सर हम हिंदी, मतलब सामान्य हिंदी है तो क्या हमको भी जीवन परिचय लिखना पड़ेगा, क्या हमको साहित्यिक परिचय लिखना पड़ेगा? अरे लिखना पड़ेगा, सबको लिखना पड़ेगा, चाहे आप भी सामान्य हिंदी वाले हैं यानी साइंस से हो चाहे आर्ट से हो, आपको हिंदी में जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियां, तीनों ये आपको हेडिंग बनानी ही होगी। क्लियर हो गया? चलिए तो लिखेंगे बच्चों कैसे, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखना है आपको, ठीक, कि जीवन परिचय अपनी हेडिंग होगी। लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी का जो जन्म है वो कहां, झांसी के चिरगांव में हुआ था, ठीक, झांसी के चिरगांव में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिता सेठ राम शरण गुप्त जी हैं, ठीक, इनके पिता सेठ राम शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य के अच्छे कवि थे, यानी इनके पिताजी भी क्या थे, उनका भी मतलब साहित्य के प्रति बहुत ज्यादा रुचि था, वो क्या साहित्य प्रेमी थे, यानी साहित्य के एक अच्छे कवि थे, ठीक। इन्हें अपने पिता से ही कविता की प्रेरणा प्राप्त हुई, ठीक, यानी मैथिली शरण गुप्त जी को बचपन से ही, मतलब उनके जब पिताजी क्या साहित्य प्रेमी थे भाई, वो भी क्या अच्छे कवि थे, तो उनसे इनको बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक। तो गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी, इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई थी, इसी कारण से इनके अंदर काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई, यानी घर पर ही इन्होंने रह करके अच्छे से क्या है शिक्षा को ग्रहण किया। यही कारण है कि इनके मन में साहित्य के प्रति कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट क्या होने लगा। क्लियर, आगे लिखेंगे बच्चों कि सन 1964 ईस्वी में गुप्त जी का देहावसान हो गया, ठीक है ना, मतलब यह साहित्य की सेवा करते हुए इस महान कवि, कैसे लिख सकते हैं, साहित्य की सेवा करते हुए इस महान कवि का देहावसान या देहांत सन 1964 ईस्वी में हो गया। क्योंकि जीवन परिचय में होता क्या है, जीवन परिचय में बच्चों ये होता है कि उनका जन्म कहां हुआ, माता पिता अगर नाम
है उनका पता तो लिख दीजिए, बाकी उनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक कहां हुई ये चीज मेंशन करना होता, उसके बाद भाई उनकी मृत्यु कब हुई, इतना अपने को मेंशन करना है। किसमें बच्चों? तो ये जीवन परिचय में। ठीक, क्लियर हो गया। अब अपनी अगली जो हेडिंग होगी वो है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखा जाता है? साहित्यिक परिचय में इनका साहित्य के प्रति यानी साहित्य में इनका क्या योगदान था, इन्होंने क्या क्या चीज किया था साहित्य के क्षेत्र में। तो हम लिखेंगे बच्चों कि मैथिली शरण गुप्त जी में बाल्यावस्था से ही, यानी ये जब बचपन में छोटे से थे तभी से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति ठीक विद्यमान थी, यानी गुप्त जी में बचपन से ही क्या थी? काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। हमने बताया ना कि इनके पिताजी एक अच्छे कवि थे, तो इसीलिए ये भी बचपन से ही यानी इनके मन में भी कवि बनने की इच्छा होने लगी, यानी ये काव्य कृतियां मतलब का अध्ययन करने लगे और उसके बारे में लिखने लगे। ठीक, आगे लिखेंगे कि गुप्त जी राष्ट्र प्रेमी कवि थे, यानी को देश से बहुत प्रेम था। वैसे देश से भाई हर किसी को प्रेम होता है ना, तो हमें भी प्रेम है, आपको भी प्रेम है, तो इनको भी मतलब देश प्रेम की भावना इनके अंतर्गत थी, अर्थात ये क्या थे? राष्ट्र प्रेमी थे। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए सबसे पहले आप थोड़ा इतना लिख लीजिए, ठीक, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं बच्चों आगे क्या लिखना है। चलिए आगे क्या लिखेंगे बच्चों? आगे लिखेंगे हम कि इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, इनकी रचनाओं में जो राष्ट्र प्रेम है वो कोट कोट कर भरा है। इन्होंने जो भी रचना की है उन रचनाओं में ज्यादातर राष्ट्रीयता की भावना ठीक कूट कूट कर भरी हुई है। ठीक, इसी कारण से इनको हिंदी साहित्य के विद्वानों ने राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। ठीक, यानी हमने बताया ना कि इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना कुछ ज्यादा ही है। ठीक, ज्यादातर रचनाओं में ये देश प्रेम की भावना को व्यक्त करते हैं। यही कारण है कि हिंदी साहित्य के जो अन्य विद्वान थे उन्होंने इनको राष्ट्र कवि के उपाधि से विभूषित किया, यानी राष्ट्र कवि इनका नाम रख दिया। ठीक है ना, आगे लिखेंगे बच्चों इनकी पहली पुस्तक रंग में भंग। इनकी पहली पुस्तक कौन थी? रंग में भंग थी, लेकिन ये उस समय चली नहीं। इनकी पहली पुस्तक रंग में भंग थी, जरूरी नहीं कि भाई हर कोई मूवी हिट हो जाए, है ना। तो इनकी किताब जो पहली थी रंग में भंग वो क्या है, मतलब शुरू में उतना ज्यादा नहीं चली, लेकिन इनकी पुस्तक भारत भारती, ठीक, भारत भारती ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध किया। यानी भारत भारती जब किताब इन्होंने ठीक, इनकी रंग में भंग इनकी किताब मार्केट में नहीं चली, लेकिन जैसे ही इन्होंने भारत भारती नामक पुस्तक लॉन्च किया वैसे ही क्या है, तहलका हो गया। यानी उसी पुस्तक की वजह से इनको राष्ट्र कवि के रूप में क्या है, मतलब प्रसिद्धि मिली, इन राष्ट्र कवि के रूप में ये फेमस हो गए। आगे लिखेंगे बच्चों कि इन्हें द्विवेदी युग का सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माना जाता है। यानी द्विवेदी युग का सबसे लोकप्रिय कवि के बारे में बात करें तो इनमें पहला स्थान मैथिली शरण गुप्त जी का है। क्लियर हो गया। तो ये है बच्चों साहित्यिक, साहित्यिक में कि मतलब साहित्य के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा है। ठीक, अब हम लिखेंगे कृतियां। तो कृतियों में लिखेंगे बच्चों कि गुप्त जी की रचनाएं दो प्रकार की हैं। ठीक, यानी गुप्त जी की जो रचनाएं हैं वो कितनी, टू टाइप्स के हैं, दो प्रकार के। पहला है मौलिक रचनाएं, दूसरा अनुदित, मतलब अनुदित रचनाएं। ठीक, अब देखिए मौलिक रचनाओं में कौन कौन है, तो मौलिक रचनाओं में भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुष, ये सब बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक, अब इनको याद करने का फायदा ये है कि ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। इसमें सबसे प्रमुख की बात करें बच्चों तो पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुष बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए तो ये इनकी मौलिक रचनाओं के अंतर। अब अनुदित रचनाएं में कौन कौन सी हैं, तो मेघनाथ वध, मेघनाथ मतलब मेघनाथ यहां पे है, मेघनाथ, ठीक, यहां पे मेघनाथ होता है, मेघनाथ वध, उसके बाद है ब्रजभाषा, वीरांगना, प्लासी का युद्ध आदि इनकी अनुदित
रचनाएं हैं। तो ये इनकी क्या है, कृतियां हैं। तो इस तरह से बच्चों हम जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय व इनकी कृतियों को बहुत ही सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, उम्मीद है अगर आप इस तरह से लिखेंगे बच्चों तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क मिलेंगे, क्योंकि इससे आसान बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।